मार्केट तो अभी भी एक रेंज में काम कर रहा है, लेकिन एक खबर आप नीचे जो देख पा रहे हैं, कल सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जो कि CCA की बैठक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये अभी अभी खबर आई है, तो इस खबर के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ प्रियंका और अभिषेक होंगे अगले एक घंटे के लिए। हम अपने साथ मेहमानों को जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे आपके सामने सारी बात रख पाएं। इस समय कैसे ट्रेड लेना चाहिए, किस सौदे को पकड़ना है, किसको छोड़ना है, इंट्राडे स्विंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जितने भी वर्टिकल हो सकते हैं मार्केट्स के, ज़्यादातर मैं कोशिश कर रहे हैं मेहमानों को जोड़ के आपके सामने बात रखें। ये कैबिनेट की जो 10:30 बजे की बैठक है, इसका जैसे ही थोड़ा भी एजेंडा हमारे हाथ लगेगा ना, तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी अभी दे देते हैं कि 10:30 बजे कल कैबिनेट की बैठक है, यानी कि CCA की बैठक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाए मार्केट्स पे। अगर आप देखेंगे तो इस समय 60 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार कामकाज कर रहा है। आज का मार्केट का हाई है 19,850, और हम कई दिन से आपके सामने 850 बोल रहे हैं। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि अच्छा ये 850 बहुत बोलते हैं, तो आज आप देखेंगे वही हाई लगा है। और हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि अगर ये बाज़ार में हमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, FIs का रोल। बाज़ार में सब कुछ ठीक है, वैल्यूएशन ठीक है, अर्निंग्स ठीक है, सब कुछ जो आप बोलना चाहें वो सब ठीक है, लेकिन FIs का रुख उतना पॉजिटिव नहीं हो रहा। बिना FIs के ना आप रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मार्केट की हो रही है। एब्जॉर्ब तो हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए आज का FIs का जब नंबर शाम को आएगा उसको मैं चेक कर लूँगा, अगर लगा कहीं भी एक्साइटमेंट है तो हम आपके सामने वो सारे पॉइंट्स वापस से करेंगे। 2.5% के आसपास का भी विक्स टूटा हुआ है, एडवांस डिक्लाइन अभी भी ठीक है। एक बार स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन विक्स वगैरह फटाफट से ले आइएगा। और उसके बाद अगर आप चर्निंग के हिसाब से भी देख रहे हैं तो आज बड़े शेयर्स ने ना तो डिस्टर्ब किया ना ही ज़्यादा परेशान किया। कुल मिला के अगर आप 50 शेयर पहले चेक करेंगे निफ्टी के, तो 36 शेयरों में बढ़त है। HDFC अभी भी टॉप लूजर हैं, ये 125 शेयर आप देख पा रहे हैं एडवांसेस के अंदर, यानी कि पलड़ा अभी भी तेज़ी का ही बाकी है। और ये मैं बोल सकता हूँ जो टिल्ट है मार्केट का वो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट है, यानी कि तेज़ी की तरफ शिफ्ट है। जहाँ पे कमज़ोरी आई है वो टिपिकली फिर से IT कंपनीज थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं। TCS उसमें से लीडरशिप के तौर पर है और L&T ने भी आज काफ़ी प्रेशर बनाया है। कुल मिला के मार्केट के अंदर एज सच कुछ बोलने वाला है नहीं। छोटे और मझोले शेयर्स के अंदर जो एक्शन है, सरकारी कंपनीज का जो एक्शन है, ये नोटिसेबल हो रहा है बाजार के अंदर प्राइस एक्शंस के बेसिस पर। आप अपना फोकस कम रखिए, थोड़ा रखिए, सेलेक्टिव रखिए, पैसा बन जाएगा। ज़्यादा बाज़ार को पढ़ेंगे कुछ नहीं बनेगा। अब मेहमानों के साथ कनेक्ट करने का वक्त है, और प्रियंका को मैं बोलता हूँ जरा मेहमानों के साथ वो कनेक्ट करें और जरा फिर फटाफट से सिलसिले को शुरू करते हैं निफ्टी के और स्टॉक्स के। प्रियंका चले बिल्कुल दिम्पी, बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ ध्वनि पटेल और राजेश पालविया बाजार पर एक टेक्निकल नजरिया देने के लिए, साथ ही रुचित जैन भी हमारे साथ हैं। तो तीन टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं और फंडामेंटल नजरिया देने के लिए भी हमारे साथ जल्द ही एक और एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन ये जो अब रेजिस्टेंस के पास आकर बाजार ने स्लिप किया है, क्या इसके मायने हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है या फिर एक कंसोलिडेशन दिख सकती है? राजेश आप बताएं लेवल्स क्या देख रहे हैं, क्योंकि बात वही जो डिम्पी जैसे जस्ट टेकिंग इट फॉरवर्ड से 1850 का जो एक लेवल था उसको बात की जा रही थी कि वहां तक शायद एक रेजिस्टेंस होगी, वहां तक ही गया बाजार और नीचे स्लिप हुआ है। अभी क्या रेंज के लिए प्ले आउट करना चाहिए इंडेक्स पे? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए बिल्कुल मार्केट में जो एक मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया था उसके आसपास ही मार्केट ने एक सप्लाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला, और हमें लगता है जब तक 19,800 के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए नहीं दिखेंगे, ये एक 19,800-19,850 के जोन में जरूर अटकता हुआ दिखेगा निफ्टी। तो मेजर सप्लाई जोन अभी 19,800-19,900 की जोन में बना हुआ है। जब तक यहाँ पे एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव प्ले आउट नहीं होगा, कुछ समय के लिए हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ऑन द अदर हैंड 19,700-19,600 यहाँ पे मेजर पुट बेस बना हुआ है, तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें लगता है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग एक्शन जरूर यहाँ पे देखने को मिली। मिड कैप स्पेस में अभी भी आज देखे तो काफी स्टॉक्स में अलग अलग सेक्टर्स में, रेलवे, फर्टिलाइजर या केमिकल बास्केट, फार्मा स्पेस, काफी स्पेस में आज भी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखाए। तो हमें लगता है कि ये कुछ समय के लिए इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी। तो डिप्स में बाय करना है टुवर्ड्स 19,700 के आसपास, जितना मिलता है निफ्टी वहाँ पे बाय पोजीशन बना सकते हैं। 650 आपके स्टॉप लॉस होंगे और अपसाइड में 19,850-19,900 तक की जगह हमें लगता है पुल बैक में वापस आते हुए दिखेगी।
ठीक है, ऑल राइट, पुल बैक में वापस इंडेक्स पर लेवल आते हुए दिखाई देंगे और आज के स्पेसिफिक रिकमेंडेशन रुचित से, ध्वनि से वो भी समझेंगे, लेकिन विनीत बुलंजकर भी हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। विनीत, गुड आफ्टरनून। हमने देखा कि सबसे स्ट्रांग इस वक्त जो सेक्टर दिख रहा है वो पीएसई सेक्टर ही दिख रहा है, सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हों, चाहे रेलवे से जुड़ी हुई हों, और जिस तरह की कंपनियां, चाहे वो ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हों, इन सब में जिस तरह की, और एनर्जी और पावर तो ऑफकोर्स चल ही रहे थे, इन सब स्पेस में जिस तरह की तेजी दिख रही है, अभी आपकी व्यू क्या बन रहा है? क्या इस स्पेस पर अभी भी बना रहना चाहिए? क्योंकि एक्सपेक्टेशन वही है कि लार्ज ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन स्टॉक्स लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट एसटीसी, एमएमटीसी और तमाम दूसरे स्टॉक्स भी जो चल रहे हैं। सो इसमें ना तीन चार चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए कि हाल ही में जो रिसेंट यू नो सीएक्सओ पोजीशंस में अपॉइंट हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है ना, लैटरल हायरिंग नहीं हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से द बेस्ट कैंडिडेट इज बीइंग डायरेक्टली यू नो प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ द सीएक्सओ। पीपल हु हैव बीन इन द कंपनी फॉर मेनी इयर्स, पीपल हु हैव गॉट एनर्जी, पीपल हु अंडरस्टैंड द बिजनेस वेरी वेल एंड पीपल हु आर डायनेमिक। तो हो क्या रहा है कि आपका लीडरशिप टीम रीएनफोर्स हो रहा है। दूसरा चीज क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज अ वेरी बिग स्पेंडर एंड ये सारे जो स्पेंडिंग जो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं उसका यू आर सीइंग द फ्रूट्स प्ले आउट। तीसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट अपनी एक कैटेगरिकल पॉलिसी बनी है कि दे वॉन्ट टू मेक द पीएसईज एज वाइब्रेंट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनलिज्म एज फार इन लाइन विद द पीएल विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो हमें लगता है कि ये जो शिफ्ट इन मैनेजमेंट थिंकिंग, एग्रेशन जो आ रहा है गवर्नमेंट में, इसमें ना सब्सटेंशियल री रेटिंग ऑफ स्टॉक्स हो जाएगा क्योंकि काफी इनएफिशिएंसीज अनलॉक हो रही है। आपको एक हाथ दो एग्जांपल दे सकता हूं मैं। एनबीसीसी में हाल ही में जो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए एज अ सीईओ, ही इज वेरी डायनेमिक और उन्होंने काफी एग्रेसिवली अपनी बुक ग्रो की है। या आप दूसरी कंपनी लेंगे बीएमएल, जिसमें ना एम्प्लॉय काउंट बहुत ज्यादा बड़ी है, ब्लोटेड उनका स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय काउंट, तो वहां पे आप देखोगे कि सब्सटेंशियल हायरिंग फ्रीज हो जाएगा। तो है ना 400-500 लोगों की हर साल हायर होंगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग इन। तो आपका जो जो एक्सपेंस रेशियो है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज वो घटता जाएगा और आपकी मार्जिन इंप्रूव होते रहेंगे जैसे आपकी टॉप लाइन बढ़ती रहेगी। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये बाजार पर व्यू और सरकारी शेयरों में जो मूव्स बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड में दिखेगा, उस पर भी अपनी राय बहुत अच्छे से विनीत सर ने रख दी है। अब जरा एक काम करते हैं ना, फटाफट आपके लिए हम ट्रेडिंग की रणनीति ले लेते हैं आखिरी के घंटे के लिए, उसके बाद रफ्तार से इस शो को आगे बढ़ाएंगे और तमाम ऐसे शेयरों पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और जिनके बारे में हम बताना भी चाहते हैं। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग कॉल के साथ। राजेश जी बताइए, दोनों शेयर आपके आज भी तेजी वाले? तो अभिषेक जी, दो नहीं तीन शेयर हैं और तीनों तेजी वाले स्टॉक है और उसमें पहला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट। ये स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए देखने को मिला था डेली चार्ट पे, लेकिन आज के मूव के बाद स्टॉक ने अपने फॉलिंग चैनल के जो अपर ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट बना के अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे रिवर्सल के गोदरेज कंज्यूमर में बनते हुए दिखे, हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 1030 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 9985 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो ओएमसी स्पेस से और बीपीसीएल पे हमारा नजर है। बीपीसीएल में देखें तो आज जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है लास्ट दो सेशन से देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखे, एक लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिखे। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक वापस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। बीपीसीएल में अपसाइड के टारगेट हम 368 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 349 का। एंड जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह है वो है कैनफिन होम का। स्टॉक ऑलमोस्ट अभी डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक करेक्टिव मूव देखने को मिला था पिछले तीन चार सेशन में, स्टॉक में पिछले तीन चार दिन के जो फॉल था उसको ऑलमोस्ट आज रिवर्स करते हुए स्टॉक में बिहेवियर बनते हुए दिखा है। हमें लगता है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज के बाहर आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट हम 785-790 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 750 के आसपास।
तीनों के तीनों ट्रेंडिंग स्टॉक्स मोमेंटम वाले ये स्टॉक्स, एक कंजम्पशन का थीम, एक एनर्जी का, जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं और एनबीएफसीज में भी मूव्स हैं और कैनफिन होम्स उससे चुना है, तो जीसीपीएल, बीपीसीएल और कैनफिन होम्स, ये राजेश जी की तरफ से। ध्वनि, आपके हिसाब से कौन से शेयर स्टार साबित होंगे आखिरी घंटे में? गुड आफ्टरनून, मेरी तरफ से आज की जो दोनों रिकमेंडेशंस रहेगी वो सेल साइड की रिकमेंडेशंस रहेगी। ओवरऑल मार्केट का नजरिया मेरी तरफ से यहाँ पे ज्यादा बुलिश साइड का नहीं बन रहा है और प्रॉफिट बुकिंग है वो काफी स्टॉक्स में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो स्टॉक यहाँ पे है वो एलटी है। एलटी का जो स्टॉक है उसे अगर हम देख रहे हैं तो पिछले 10 डेज का यहाँ पे प्राइस देखते हैं तो 3100 के पास स्टॉक जो वो है वो वहां पे कॉन्स्टेंटली एक रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिल सकती है। आरएसआई भी इसकी जो है वो 99 के पास चल रही है जो काफी यहाँ पे ओवरबॉट जोन कहा जाता है और वहां से हमें एक यहाँ पे फॉल भी आज देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप इसके अंदर सेल करिए, टारगेट जो है वो 3010 को बनेगा, स्टॉप लॉस जो है वो 3105 का मेंटेन करना है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे जो है वो टाटा कम्युनिकेशंस का है। ओवरऑल स्टॉक जो है वो अपना एक रेजिस्टेंस दिखा चुका है जहाँ पे 1950 का लेवल हम क्रॉस नहीं कर पाए थे, उसके बाद हमें एक डाउनवर्ड इसके अंदर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप आज का जो सेशन है उसमें स्पेशली इसने जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से आप इसको भी शॉर्ट कीजिए। टारगेट जो है वो 1720 का बनेगा, स्टॉप लॉस जो है वो आपको 1810 का मेंटेन करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है और ये होता ही है इस तरह के मार्केट के अंदर ना, जब आप एक शैलो रेंज यानी नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, वॉल्यूम बैक्ड तेज़ी ना हो, एफआईएस थोड़ा सुस्त हो, तो डाइवर्जेंस कुछ इसी तरह से आता है। अभी राजेश जी ने दो की जगह बकायदा तीन तेज़ी की कॉल दी, लेकिन जैसे धोनी से पूछा तो धोनी को मंदी में ज़्यादा कम्फर्ट दिखा, तो उन्होंने आपको दो शॉर्ट कॉल दे दी। ये टिपिकली यही मार्केट का जो कहते हैं ना क्लियर नेचर, वो सामने आ रहा है। रुचि जैन की कॉल्स भी देख लेते हैं वो कौन सी हैं और उसके बाद आपके पास ट्रेडिंग कॉल्स का पूरा जखीरा आपके पास आ जाएगा। रुचि सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी कॉल्स में कोई ऑप्शन भी हो ना तो सर वो डाल देना, आपके ऑप्शंस बहुत बढ़िया चलती हैं। वेल मार्केट्स का तो हम देख रहे हैं कि एक रेंज में रह गया है जहाँ पे 19850 का हर्डल क्रॉस अब तक हुआ नहीं है, सो आइडियली हम वेट कर रहे हैं कि ज्यादा एग्रेसिव कॉल्स तभी देंगे जब ये हायर लेवल्स के 19850 क्रॉस होगा। सो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है जिसमें एसबीआई लाइफ नो करंट लेवल्स पे काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट आज आप देखेंगे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव्स एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ज्यादातर सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे आज बनी हुई है। एसबीआई लाइफ में कैश सेगमेंट में भी अच्छे वॉल्यूम्स है, आप ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो उसमें ऑप्शंस में भी जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं और इनफैक्ट कुछ पुट राइटिंग भी हमने एसबीआई लाइफ में लोअर लेवल्स के देखे हुए। और जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि पुट्स में एडिशन होता है और कॉल्स में अनवाइंडिंग होती है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग साइंस रहते हैं। तो कैश के लेवल्स देखे तो 1320 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं एसबीआई लाइफ में और ऊपर 1400 से लेके 1420 के टारगेट से स्टॉक में रहेंगे और इनके ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है यही स्टॉक। तो 1340 का कॉल ऑप्शन अभी 22 से 23 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 14 रुपीज 14 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और इस ऑप्शन में हायर लेवल्स पे 35 से 38 के टारगेट्स रेंज नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, एसबीआई लाइफ के अलावा कोई और सौदा है तो वो भी बता दीजिए। डीएमपीजी फिलहाल एक ही नो ट्रेड मैंने दिया है आज और जैसे मैंने कहा कि 19850 का हर्डल एक बार ये क्रॉस हो जाता है फिर आई थिंक ज्यादा एग्रेसिव होंगे। ठीक है डन सर, कोई बात नहीं। मेरा भी मानना है कि अगर एसबीआई के ट्रेड के अंदर आपको कोई ज्यादा बड़ा सौदा नहीं मिल रहा तो आप सिर्फ यही सौदा रखिए। हमने ना ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके लिए कन्वर्ट कर दिया, स्ट्राइक चेक कीजिएगा 1340 की, एट द मनी जहां पे खड़े हो वहीं की कॉल पकड़ो, 20 रुपये में मिल जाएगी, 14 रुपये का स्टॉप लॉस, जाएंगे 6 रुपये आएंगे 15 रुपये, तो 1:2 का रेशो हो गया। ऑप्शंस के अंदर इससे नीचे का कोई ट्रेड अगर मिलता है छोड़ देना, 1:2 तो कंपलसरी है, चाहिए चाहिए। और हम होप करते हैं कि जो सर ने भी आपको ऑप्शंस की स्ट्रेटजी देखी है उसके बाद ही ऑप्शंस का भी सौदा आप चाहें तो प्लस कर सकते हैं। तो आपके पास कुल मिला के अब तक 5 ट्रेड आए हैं, 3 तेज़ी के, 2 मंदी के और 1 ऑप्शंस के साथ एसबीआई लाइफ, ये भी आप चाहें तो देख सकते हैं, 6 हो गए सौदे। आगे बढ़ते हैं, अब जरा एक काम और करते हैं, मेरे को विनीत सर से एक चीज़ और पता करनी। विनीत सर, ये जो QSR वाला सेगमेंट है जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज हैं, मैं इंक्लूडिंग उसमें जोमेटो को भी डाल रहा हूँ,
तो आप यहाँ पे कैसे इसको रेट कर रहे हैं? इसका ना पुराना हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, तो समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कई बार ऐसी कंपनीज को कि ये कितना बिजनेस लेके आएंगी, ट्रेडिशनली होता कैसे है इनके साथ, तो इसलिए जरा आपका टेक चाहिए इस पे सर, QSR सेगमेंट पे। देखो हमारे दो टॉपिक है, जोमैटो एंड देवयानी इंटरनेशनल। तो आप देखोगे देवयानी इंटरनेशनल के पास मल्टीपल ब्रांड्स है, काफी अग्रेसिव ग्रोथ है, और हमें लगता है कि ना ये ग्रेजुअली आपको हर साल एक 20 से 25% का ग्रोथ देगा। ये स्टॉक है ना आपका, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टेडी कंपाउंडिंग है, यू हैव टू लुक एट इट लाइक एन एफडी इन्वेस्टमेंट। आपने शेयर ले लिए और हर साल आपको 20% देता रहेगा, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है ना, इट इज द सेम मैनेजमेंट ऑफ वरुण बेवरेजेस, और इनकी खासियत ये है कि इनका कॉस्ट एफिशिएंसी पे बहुत पैरामाउंट फोकस है। तो इनके लेजर शार्प फोकस रहता है पूरा बिजनेस पे, और एकदम सिस्टमेटिकली ग्रो करता है बिजनेस, एंड इनके ज्यादा ब्रांड्स होने के कारण इनको काफी अच्छा ग्रोथ मिलता रहता है कंटिन्यूअसली। अब जोमैटो की बात करोगे तो आप देखोगे कि जोमैटो एंड स्विगी आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ फूड डिलीवरी, बट जो अदर बिजनेसेस जो आते हैं ना लॉजिस्टिक्स में, उधर जैसे डंजो है या आपका ONDC है या फिर आप जेप्टो या ऐसे बाकी के ग्रोसरीज वाले ले लेंगे, तो आप देखोगे कि जोमैटो का बिजनेस मॉडल काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। और अगर इनकी कंपटीशन हमें नजर आती है कि ये कोलैप्स हो रही है या दे आर नॉट बीइंग टू मच ऑफ अ कंपटीशन टू दिस कंपनी, ये मुझे लगता है कि काफी अग्रेसिवली बढ़ सकता है। हमारा टारगेट इसके ऊपर 150 का है, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दिस स्टॉक डिलीवर्स 2-3 times इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। ये तो बात QSR स्पेस पे रही, हालांकि जोमैटो के लिए जो पाथ थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही थी, और ऑफ कोर्स क्योंकि लिस्टेड फॉर्म ये है फूड डिलीवरी में प्लेटफॉर्म फी चार्ज करते, तो स्विगी भी चार्ज करने लग गया एक प्लेटफॉर्म फी, तो ये एक इंटरेसटिंग फैक्टर था जिसको बाजार वॉच आउट कर रहा था, और उसी इसकी प्रॉफिटेबल भी हो गया, प्लेटफॉर्म फीस भी देख रहे हैं, और इनफैक्ट आप जब भी फूड भी ऑर्डर करते हैं तो आप देखेंगे डिलीवरी चार्जेस भी अब कस्टमर से ही लिए जाते हैं, और इसी रनअप में आप देख रहे हैं कि 110 तक तो जोमैटो आ भी गया है, जो काफ़ी हद तक 100-110 के टारगेट्स थे बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के। लेकिन कुछ ट्रेड्स लेते हैं क्योंकि अर्निंग्स पर ट्रेड अच्छे इस वक्त दिख भी रहे हैं। आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को देखें, जब उनके बिजनेस अपडेट आए उससे पहले, तब से लेके अब तक चल रहा है, कैनफिन होम के भी अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए थे और इसके भी नंबर्स आने हैं। अच्छा आपको बिल्टअप दिख रहा है, लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है इसमें, क्या कैनफिन होम्स एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए? ध्वनि अच्छे अपडेट्स आने, अच्छे अपडेट्स आए थे उससे ये जरूर इंडिकेशन है कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे कैनफिन होम के भी। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम कैनफिन होम्स की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका है वो एक रेंज जोन में यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, जहाँ ऊपर की तरफ 790 का एक रेंज है और नीचे की तरफ जो यहाँ पे है वो 740 का यहाँ पे सपोर्ट जोन बनता है। ओवरऑल स्टॉक का अगर हम बात करते हैं तो अभी फिलहाल इसके अंदर आप इस रेंज पे को ध्यान में रख के चल सकते हैं। 790 के ऊपर अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो आपको 830 तक का इसके अंदर एक अपमूव देखने को मिल सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं रहेगी, आप इसको होल्ड करके चलिए 740 के स्टॉप लॉस के साथ। राइड करना चाहिए, तेजी और बन सकती है, सिर्फ अर्निंग्स में थोड़ा सा उन स्टॉक्स में ट्रिकी हो जाता है जब सेल ऑन न्यूज का ट्रिगर आते हैं, क्योंकि मूव अगर पहले आ जाती है, पर यहाँ स्ट्रीम बाकी है। SRF को देखते हैं, वहाँ अच्छे आज शॉर्ट कवर हो रहे हैं, और इनफैक्ट इनके इनके डेटा फिगर्स भी आए हैं शिपमेंट के, एक्सपोर्ट शिपमेंट के, जिसमें SRF में इतने अच्छे फिगर्स तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत हद तक नेगेटिव न्यूज अब प्राइजन हो गई है तो क्या टेक्निकल बाउंस बैक है, और अगर ये शुरुआत हुई है तो अभी तो सिर्फ 1% तेज है। रुचित, क्या SRF में एक पोजिशनल व्यू लेना चाहिए शॉर्ट टर्म का? बहुत अपमूव जरूर आया, बट मैं फ्रेंकली फॉलो अप मूव का इंतजार करने की सलाह दूंगा, और 2300 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है वापस से तो फिर ये स्टॉक में खरीदारी करें, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे ये सीरीज के तो 2300 के कॉल ऑप्शन में लगभग 7.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो हाईएस्ट हुआ है वहां पर है। तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग की पोजीशंस 2300 के कॉल पे है, और आज उसी के आसपास से हमने लास्ट 1 घंटे में फिर से ये स्टॉक में कूल ऑफ देखा है, तो फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद ही ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से अनवाइंड करेंगे और फिर एक अच्छी तेजी स्टॉक में रहेगी। सो बेटर है कि ब्रेकआउट का इंतजार करें, 2300 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन हो तो बाद में स्टॉक में खरीदारी करें। SRF
पौने 2300 का भाव, 2300 की कॉल ऑप्शन से तेजी के संकेत मिल रहे हैं रुचित को। लेकिन ऑप्शंस के जरिए आपकी कमाई को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है 89 स्वदेश पर। बताइए कहां पर ट्रेड करके पैसे बनेंगे अभी? गुड नून अभिषेक जी, आई थिंक मार्केट में पॉजिटिव बायस है बट मोमेंटम नहीं है, ऊपर जाके बाजार करेक्ट हो जाता है तो साइडवेज पैटर्न चल रहा है। बट बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, साइडवेज टू पॉजिटिव बायस देखा जा सकता है। उसमें सबसे अच्छा कैंडिडेट अभी कोटक बैंक लग रहा है, तो नीचे के लेवल से अच्छा रिवर्सल है, तेजी के थोड़े संकेत है तो कोटक बैंक में तेजी का ट्रेड है। 1760 के कॉल को बाय करेंगे, अभी 28 चल रहा है, और 1790 के कॉल को सेल करेंगे, वो 13.70 चल रहा है। मैक्सिमम लॉस है इसमें 5720, मैक्सिमम प्रॉफिट है 6280। तेजी का ट्रेड है, ऊपर जाएगा स्टॉक तो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो कोटक बैंक 1760 वाली कॉल में आपके लिए मौके बनेंगे, 28 रुपये पर ही खरीदना है। 1790 वाली कॉल बेचनी है आपको 13.70 रुपये पर। अधिकतम मुनाफा स्ट्रेटजी में 6,280 रुपये, अधिकतम नुकसान 5,720 रुपये। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमारा आप बिल्कुल ध्यान रखिए, वायदा बाजार में ट्रेड करना रिस्की होता है और 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान है वो है 50,000 रुपये का। तो थोड़ा सा सोचकर समझकर अपने एनालिसिस कर रिस्क को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आदित्य बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज ये बेहतरीन ऑप्शंस की रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कुछ और स्टॉक्स का रुख करते हैं और समझते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पावर में चुनिंदा एक्शन है, इसके अलावा ऑयल एंड गैस में एक्शन है, तो एनर्जी वाला खेमा बाजार को कहीं ना कहीं संभाल कर रखा हुआ है। और फाइनेंस में अगर हम बात करें तो कैनफिन होम्स राजेश जी ने दिया भी, L&T फाइनेंस भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। एक राय जरा OMCs पर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रूड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है आज, हालांकि तेज़ी थोड़ी सी ज़्यादा है हम OMCs में बात करें तो IOC, BPCL, HPCL इन तमाम स्टॉक्स में। राजेश जी कहीं मौके हैं अभी भी क्या, क्योंकि ऑलरेडी हम जिस तरह का मूव्स देखते हैं उस हिसाब से तो ठीक ठाक कहेंगे OMCs में ये। बिल्कुल अभिषेक जी, BPCL हमारी आज पिक भी है और हमें लगता है कि OMC स्टॉक्स में BPCL में जिस तरीके से वीकली सेटअप बने हुए, ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक 50-200 मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का डेली चार्ट पे ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है, तो हमें लगता है BPCL बिल्कुल यहाँ पे बाय करके रखना चाहिए। 365-368 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। BPCL पे हमारा व्यू बुलिश है, 346 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। एंड BPCL तो सर आपके ऑलरेडी वैसे भी कॉल है और मार्केटिंग के अंदर IOC BPCL दोनों तो कम से कम ऐसे शेयर हैं जो ज़्यादातर एनालिस्ट आप पूछेंगे ना कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरे को कोई ऐसा शेयर बता दो जो अभी चला भी ना हो और आगे चलने के चांसेस काफ़ी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो, तो ज़्यादातर एनालिस्ट BPCL और IOC का ही नाम लेंगे। आप इसके बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, आर राजेश सर की कॉल भी है। आगे बढ़ते हैं, HDFC बैंक के नंबर्स आ गए। विनीत सर मैं आपसे अभी आपके पास HDFC का आपका टेक लेने के लिए मैं पहुँचूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी सहयोगी पूजा को अपने साथ जोड़ लेता हूँ। उन्होंने थोड़ी रिसर्च की है, टिपिकली वो बैंकिंग को ही कवर करती है, तो इसलिए मैं उनसे ज़रा पूछ ही रहा था कि भी ऐसा क्यों है कि ये शेयर नंबर्स के बाद भी 1500 से 1550 के दायरे में ही फंसा हुआ है, ऐसी क्या चीज़ है जो इसके रिजल्ट्स आने के बाद भी इसको निकाल पा रही है। तो उन्होंने कुछ रिसर्च की है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं फिर विनीत सर मैं आपके पास आता हूँ। पूजा बताएं आप। जी, HDFC बैंक के ना चलने की वजह है, सबसे बड़ी वजह है मार्जिन्स की, और मार्जिन में आने वाले 2-3 क्वार्टर में जो भी एक्सपर्ट्स हैं, खुद मैनेजमेंट है, उनका कहना है कि अभी सुधार होने में समय लगेगा। अब इसकी वजह ये है कि RBI ने जब इंक्रीमेंटल CRR की बात की उसके चलते भी बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई है, तो इससे मार्जिन पर दबाव आ गया। और मैनेजमेंट का खुद भी यही कहना था कि लिक्विडिटी को पूरी तरह से उपयोग होने में 3-4 तिमाही का वक्त लगेगा और तब तक मार्जिन पर इस तरह से दबाव जारी रह सकता है।
हालांकि मैनेजमेंट ने जो अपने लिए गाइडेंस तय की थी, जो रेंज तय की थी, वो 3.7 से 3.8% के पास थी, लेकिन इस तिमाही हमने देखा कि 3.65% के पास मार्जिन के फिगर्स आए हैं जो कि अनुमान से कमज़ोर थे। ये तो मार्जिन की बात हुई, लेकिन उसके अलावा एसेट क्वालिटी, हमने बैड लोन्स भी बैंक के बढ़ते हुए देखे। HDFC लिमिटेड के जो कॉर्पोरेट बुक थी, नॉन इंडिविजुअल बुक थी, वहाँ पर कुछ दिक्कतें थी, और जब मर्जर हुआ तो मर्जर के बाद हमने देखा कि उनके बैड लोन्स में भी बढ़त देखने को मिली है। अगर ग्रॉस एनपी के आंकड़े हम देखेंगे तो मर्जर के पहले 1.17% थे, मर्जर के बाद जो इस तिमाही के नंबर्स आए हैं वो 1.34% हो गए। तो कंपनी के एसेट क्वालिटी में भी कुछ दिक्कतें देखने को मिली, और इसको भी एनालिस्ट मीट में मैनेजमेंट ने पहले ही हाईलाइट किया था, ये कुछ दिक्कतें आएंगी एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी, जो कि सुधरने में वहाँ पर समय लगेगा, और उसके अलावा आय और मुनाफे में भी सुधार आने में समय लग सकता है। हमारी कुछ एक्सपर्ट से भी बात हुई, और उनका महंतेश सवरत जी का कहना था कि 18 से 20% की ग्रोथ बनाए रखना संभव फिलहाल नहीं होगा। संजीव भसीन का भी कहना था कि लंबी अवधि के निवेश के लिए इस पर आप नज़र रख सकते हैं, और राहुल मलानी का कहना था कि 12 से 15 महीने में शेयर की री रेटिंग होने की संभावना है। कुल मिला के बात करें तो शॉर्ट टर्म आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में कुछ दिक्कतें रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब तक मार्जिन में की पिक्चर्स क्लियर नहीं हो रही है, उस वजह से हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक का स्टॉक यहाँ से चल नहीं पा रहा है। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया आपका इस सारी के सारी जानकारी देने के लिए। तो पूजा से इतना तो समझ में आ रहा है, स्विंग ट्रेडर्स के काम का शेयर नहीं है अभी, लेकिन हाँ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम का शेयर है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर स्थिति में बदलाव होगा तो HDFC लीडरशिप के रोल में भी आ सकता है, क्योंकि अगर आफ्टरऑल अगर मार्केट को चलना है और आगे लंबी रेस में चलना है तो HDFC के बिना सहयोग की नहीं बात होगी। विनीत सर, एक बार जरा आपका टेक चाहिए, नंबर्स आपने भी चेक किए होंगे, प्री नंबर्स भी आपने देखा होगा इस शेयर को, मर्जर्स पर भी आपका एक व्यू पॉइंट हमको मिल जाएगा, आप क्या कहते हैं इस पर सर? मुझे लगता है कि ये जो रेंज है ना 1500-1550 एक एक्विजिशन के लिए बहुत अच्छी रेंज है, और हमें लगता है कि अभी जो डीग्रोथ हुआ है प्योरली बिकॉज द बेस बढ़ गया है बैंक मर्जर के कारण। आप देखोगे कि HDFC लिमिटेड की जो मार्जिन्स थी वो थोड़ी कम रहती थी, तो आप देखोगे ये बिजनेस मर्ज होने के कारण इनकी 4.1 जो कब के नीचे कभी जो गया नहीं, यू नो उसमें ऑलमोस्ट 8-10% का कट आया था। पर हमें लगता है कि फिलहाल बैंक इज ऑन अ वेरी फास्ट ट्रेजेक्ट्री ऑफ करेक्टिंग दीज नेगेटिव्स। तो अभी उन्होंने अपना डिपॉजिट ग्रोथ रेट बढ़ा दिया है, राइट? तो वो डिपॉजिट बेस अपना ये करेंगे। फिर हमें लगता है सेकेंड थिंग क्या होगा कि आपको देखे होंगे कि आप ग्रेजुअली इनके जो ब्रांचेस इन्होंने एक्वायर किए, 400 ब्रांच इन्होंने HDFC से एक्वायर किए, इनके लगभग 1500 नए ब्रांचेस है, यू नो जो 1.5-2 साल ही हुए आए हुए, ये अभी ग्रोथ इंजिन बनेंगे बैंक के। तो जो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, कॉस्ट कम हो जाएगा, और आप देखोगे कॉस्ट भी कम होता रहेगा ये बैंक का। तो इसके चलते हमें लगता है कि ग्रेजुअली आपके निम्स 4% की तरफ मूव होंगे, आपकी ग्रोथ रेट 15% से ज्यादा आने की गुंजाइश ज्यादा है नहीं, बट ये ब्रांड, इस ब्रांड ने दिखाया है हिस्टोरिकली कि ये लोग ने बेस्ट इन क्लास ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ग्रोथ विल कम बैक, मार्जिन्स विल इंप्रूव, और कॉस्ट एफिशिएंसीज आ जाएंगी एज द क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव, और ग्रेजुअली इनके NPS भी काफी कंट्रोल में आ जाएंगे, ऑलरेडी अच्छे ही है। हमें लगता है कि बैक टू बेस्ट इन क्लास आ जाएंगे। तो हमें लगता है अगर आप ये स्टॉक आप 2 साल के हिसाब से निवेश करें तो आपको 50% की अपसाइड मिलने की गुंजाइश है। ठीक है, ये बढ़िया बात आपने बताई कि आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, कम से कम 2 साल के लिए रखिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो इटिनोस उदेश, कम से कम ये कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और साथ ही स्विंग ट्रेड सबका मजा आपके पास पहुंची जाए, और HDFC टिपिकली इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। रिटर्न आपको खुद विनीत जी बता रहे हैं कितने मिल सकते हैं। IOC BPCL को भी ना छोड़िएगा। तो आज का लेवल अब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर HDFC, IOC, BPCL जैसे शेयर्स, ये तो साफ साफ समझ में आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद सृष्टि मिश्रा जुड़ेंगी, बजाज ऑटो के नतीजे कैसे आ रहे हैं वो बताएंगी, हर्ष मिश्रा जुड़ेंगे, इंडसइंड बैंक के नतीजे कैसे आ रहे हैं वो आपको बताएंगे। तो छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न्स से लाखों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब चलिए शरद से जुड़ते हैं, खास सेगमेंट शरद लेकर आते हैं। खबर गर्म है, काफी सक्सेसफुल हमारा ये सेगमेंट रहता है, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। चलिए शरद से बात करते हैं। शरद बताएं कौन से स्टॉक में आज खबर है आपके पास? प्रियंका, उसके पहले जो है मैं बता दूं कि विजया डायग्नोस्टिक जो है हम लोग खबर गर्म में सेगमेंट पे लास्ट वीक पे लिए थे और आज जो है स्टॉक में बाइंग देखने मिल रही है। स्टॉक लगभग 3% ऊपर है। हमने लास्ट वीक ही कहा था कि यहाँ पे HNI और DI की बाइंग देखने मिल रही है और आज भी स्टॉक में जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। लेकिन आज के स्टॉक पे फोकस करते जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेगा और हमने जो है ट्रेडर्स के साथ बातचीत की है और वो स्टॉक सामने आ रहा है, वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। यहाँ पे जो है ट्रेडर्स बता रहे हैं कि कुछ कुछ काउंटर्स में DI बाइंग यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 7x 20-day एवरेज पे है और जो ऑलरेडी DIs ऑलरेडी निवेश किए हुए हैं स्टॉक में वो इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड और ABSL म्यूचुअल फंड, लगभग 2-2.5% की स्टेक जो है दोनों की कंबाइंड बेसिस पे है। अब याद रखिए इंपॉर्टेंट बात है कि रियलिटी स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने तेज़ी देख ली है, Q2 सेगमेंट में भी अपडेट्स अच्छा हैं। अब उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है आपको देखने मिल रहा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में और एक पोटेंशियल रिवाइवल एक्सपेक्टेड है हाउसिंग फाइनेंसिंग सेगमेंट को लेकर, स्पेशली अगर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की जो बात चल रही है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? लो टू मिड टीयर के जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके लिए ये बेनिफिट होगा। ये जो टिकट सेगमेंट आते हैं और ये कंपनी जो है इस सेगमेंट में जो है ओवरऑल डिलीवरी देती है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक और पॉजिटिव ट्रिगर है क्योंकि अब HDFC जो है अब्जॉर्ब हो गया HDFC बैंक में और उन दोनों की मर्जर हो गई है, तो प्राइमरी डेट मार्केट्स में जो है एक टाइप से वैक्यूम आया जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो मार्केट शेयर वहाँ पे वो ले सकती हैं। और इम्पोर्टेंटली अगर देखें तो लगभग 21 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं स्टॉक को, उसमें से 20 एनालिस्ट का अभी भी बाय रेटिंग है, यानी कि 95% से ज़्यादा का एनालिस्ट का अभी भी बाय रेटिंग है। स्टॉक में तेज़ी भी देखने मिली है तो इस स्टॉक को अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। DI बाइंग देखने मिल रही है, ये ट्रेडर्स का मानना है। वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट शरद ना सिर्फ खबर बता रहे हैं, हमें लॉजिक और रीजनिंग भी बता रहे हैं। उन्होंने अपनी डिपस्टिक भी की है, कई सारे एनालिस्ट की रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद ये स्टॉक लाया और रीज़न बहुत वैलिड उन्होंने बताया कि होम फर्स्ट फाइनेंस में इस वक्त एक्चुअली में लेना भी क्यों चाहिए। और आप देखें तो जितने भी होम फाइनेंसिंग काउंटर्स है, चाहे वो एप्टस हो, आवास हो, होम फर्स्ट फाइनेंस हो, इन सब में आपको रीज़न भी दिख रहे हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्पेस भी अच्छा चल रहा है। तो और यहाँ पर खबर उनके पास है कि यहाँ DIs की बाइंग हो रही है, होम फर्स्ट फाइनेंस पर आप ज़रूर नज़र बना के रखें। ठीक है, कुछ और बहुत सारी और एलिमेंट्स भी हमारे व्यूवर्स के लिए, एक बार कहाँ कहाँ पॉसिबली अर्निंग से पहले ट्रेड बनता है ये भी समझ लेते हैं। इस स्टॉक के टेक्निकल लेवल्स भी चेक करेंगे क्विकली, लेकिन पहले इंडसइंड बैंक पर हर्ष से एक बार उसका प्रीव्यू समझ लेते हैं कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन क्या है, फिर दोनों के टेक चेक लेंगे एक बार। हर्ष बताएं। जी हाँ, इंडसइंड बैंक का Q2 FY24 के नंबर्स जब ओवरऑल देखने जाए तो ऑपरेशनल अपडेट ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है। तो प्रोविजनल नंबर्स में देखा है कि 21% ग्रोथ आया है एडवांसेस साइड पे और 14% ग्रोथ आया है डिपॉजिट साइड पे। जब एडवांसेस का सिक्वेंशियल ग्रोथ देखें तो 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा है और डिपॉजिट्स में भी एक 4% ग्रोथ दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो डिपॉजिट ग्रोथ का कैसा स्टांस होगा गोइंग फॉरवर्ड, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मैनेजमेंट के और क्या गाइडेंस देते हैं, उस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। दूसरा देखते हैं कि PNL में कैसे एक्सपेक्टेशंस शेप अप हो रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम अराउंड 5000 करोड़ के आसपास, जस्ट अबव 5000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है नेट इंटरेस्ट इनकम का, जो कि एक अराउंड 16% ग्रोथ है ईयर ओवर ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक्सपैंड होगा, 10% प्लस ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखा जाए तो अराउंड 4000 ऑड करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। जब प्रोविजंस नंबर को देखें तो लार्जली फ्लैट सिक्वेंशियली प्रोविजंस एक्सपेक्टेड है 1000 करोड़ के आसपास, जो कि एक 1% अपटिक है सिक्वेंशियली, तो लार्जली फ्लैट प्रोविजनिंग का नंबर जो है वो। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक 20% प्लस का जंप आएगा ईयर ओवर ईयर, अराउंड 2250 करोड़ ऑड पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स पे नज़र रहेगी, मार्जिन्स एक्सपेक्टेड फ्लैट है, पर ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि मार्जिन्स कैसे शेप अप होते हैं और आगे की मार्जिन गाइडेंस भी क्या है। क्रेडिट कॉस्ट भी सॉफ्ट रहेंगे, पर आगे जाके क्या एक्सपेक्टेशंस है क्रेडिट कॉस्ट से, उस पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। तो ये सारी चीज़ों पे स्ट्रीट की नज़र और इंडसइंड बैंक के Q2 रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड।
NIMS पे नजर रखनी होगी. NII और NIMS ये तो मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं, ट्रिगर पॉइंट, ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो बैंक्स के लिए देखना है. प्रोविजनिंग आपने बताया कि शायद फ्लैट रह सकती है. शुक्रिया हर्ष ये प्रीव्यू स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन हमें समझाने के लिए. एक बार अब पॉसिबल ट्रेड समझते हैं कि होम फर्स्ट फाइनेंस और इंडसइंड बैंक दोनों के हमने आपको रीजंस, एक में खबर है और एक में अर्निंग से पहले का एक ट्रिगर है. कहाँ पर ज़्यादा बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है, जहाँ पर एक पोजीशन ली जा सकती है, ध्वनि बताएंगे हमें. ध्वनि एक बार दोनों चार्ट चेक करके बताएं, दोनों के रीजन, दोनों के हमने आपको रीजंस और ट्रिगर्स पॉइंट्स भी बताएं. कहाँ पर इस वक्त एक ट्रेड लेंगे अगर आपको लेना होगा तो? ध्वनि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून. एंड प्रियंका, यहाँ पे अगर हम होम फर्स्ट की चार्ट देखते हैं तो होम फर्स्ट की चार्ट में यहाँ पे अगर दिख रहे हैं तो 2022 के जो हाई बनाए थे उसी हाई के पास अगर यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, इसका यहाँ से ब्रेकआउट होना काफी इम्पोर्टेंट रहेगा. 1000 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो यहाँ पे इसके अंदर फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है. ओवरऑल स्टॉक की ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड बनी हुई है, वॉल्यूम्स का भी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट कंफर्टेबल पोजीशन जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल बनेगा वो 1000 के ऊपर ब्रेकआउट होने पे यहाँ पे बनता है. इंडसइंड बैंक का भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे है वो एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है. इनफैक्ट पिछले एक महीने का अगर हम यहाँ पे ओवरऑल डेटा एनालाइज करते हैं तो 1460 का लेवल है इंडसइंड बैंक में जो हम ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं. तो इसी लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है. करंट लेवल से वापस हम जो चैनल है उसके बॉटम साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे की तरफ का जो जोन बनता है तो यहाँ पे 1390 का यहाँ पे जोन बनता है जहाँ पे स्टॉक को वापस सपोर्ट लेना चाहिए. तो दोनों ही स्टॉक में अभी फिलहाल मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी. जो लेवल स्पेसिफिक है उसमें इसमें ध्यान रखा जाए, बाकी ट्रेड यहाँ पे ठीक है, तैयार हो जाइए. बिल्कुल आप, अब फटाफट से हम थोड़ा रैपिड फायर राउंड के ज़रिए शेयर ले लेते हैं. वो मैंने इसलिए तैयार किया है ताकि अगर आपको लग रहा है कि बाज़ार थोड़ा सुस्त है, बॉस बाज़ार बिल्कुल सुस्त नहीं है. आप वापस से हम 800 के ऊपर आ गए हैं, ये 19800. अगर ये 10 मिनट इसी स्पीड से चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्लोजिंग में ही जाते जाते ये 850 ना पार कर जाए. हालांकि मेरा फिर भी अपना मानना है कि जब तक इंस्टीट्यूशनल्स के नंबर ना देखे जाएं तब तक एक बार बड़ी पोजीशंस ना लेके जाएं. ये राजेश सर का भी, ऑलमोस्ट रुचित का भी कुछ कुछ ऐसा ही मानना है. रुचित आप ज़रा तैयार रहिएगा और राजेश सर आप भी. मैं ज़रा स्पीड से क्वेश्चन पूछता हूँ. आज सुबह हमने फैक्ट के बारे में चर्चा की थी कि कल उसने सर्किट लगाया, आज और चलेगा, शेयर चल गया 14% ऊपर है. सर दो दिन के अंदर 34% हो गया, प्रॉफिट बुक करें राजेश सर, बाहर आ जाए इससे? डिम्पी जी नहीं, अभी बाहर नहीं आना, ये पूरा सेगमेंट में एक अच्छा नया बाइंग इंटरेस्ट बना है तो होल्ड रखें पोजीशन. मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 735 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखना जी. जिस तरीके के वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, नेक्स्ट टारगेट 780-790 की तरफ आते हुए दिख सकता है. ठीक है, तो जिनके पास पोजीशन है सिर्फ एक काम कर लेना, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना, पोजीशंस के साथ बने रहो. अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई शेयर कितना चल सकता है तो सिर्फ फैक्ट का ना, आप सिर्फ साल का चार्ट दिखाओ, एक साल का सिर्फ चार्ट दिखाओ, आपको पता लग जाएगा 3000% का ये रिटर्न देने वाला शेयर है. एक बार दिखा दीजिए आप 52 वीक वाला. दूसरा शेयर मेरे को पता करना वो है थर्मैक्स. आज उसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है. सर थर्मैक्स एक बार देखेंगे आप? रुचित थर्मैक्स जी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक के. इनफैक्ट मैं ये स्टॉक में एक चीज काफी कंसिस्टेंटली नोटिस कर रहा हूँ कि जो भी छोटे मोटे डिप्स आ रहे हैं उसमें 40 डेज का EMA स्टॉक को सपोर्ट टेक कर रहा है और प्राइस डिक्लाइंस में वॉल्यूम्स कम होते हैं, जबकि जब भी प्राइस अपन होता है तो वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं. तो फिलहाल 2300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अभी स्टॉक में बना है, तो 2900 के स्टॉप लॉस से ये पोजिशन को राइड करे और 3600 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में आ सकते हैं. एक सर और कंपनी है जो पोर्ट से जुड़ी हुई है, उस शेयर का नाम है गुजरात पीपावाव पोर्ट. रुचित आप ही चेक करना, ये आपको GPPL के नाम से मिलेगा, कोई ढूंढे तो वैसे नहीं मिलेगा, GPPL लिखोगे तो मिल जाएगा. आप एक बार जरा इस शेयर को भी चेक कीजिए, आज इसकी क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग मिल रही है वॉल्यूम के साथ. 3-4 दिन पहले हमने नोटिस भी करवाया था ये शेयर, जरा देख के बताइए कल और आज जिनके पास है BTST करके जाएं. हाईएस्ट वॉल्यूम आज ये स्टॉक में हुआ है तो स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है. सडनली BTST या शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक में खरीदारी करके जाए, 150 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें और 134 के नीचे स्टॉप लॉस रखें.
29 का स्टॉप लॉस गुजरात पीपावाव के लिए। लेकिन नतीजों के लिहाज से ये हफ्ता काफ़ी अहम है। कल बजाज ऑटो के नतीजों पर नजर रहेगी, नतीजे कैसे आएंगे, क्या अनुमान है, चूंकि फेस्टिवल्स चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, तो ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गए हैं। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीदें हैं बजाज ऑटो से और खास फोकस कहाँ पर रहेगा? अच्छी उम्मीदें हैं बजाज ऑटो से इस बार अगर हम बात करें तो, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड देखने को मिली है या वॉल्यूम का थोड़ा सा पुश रहा है, इस बार नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। और ख़ास तौर से फोकस रहेगा मार्जिन के नंबर पे, क्योंकि अगर हम देखें तो हम इस बार नतीजों को तिमाही दर तिमाही कंपेयर करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो फेस्टिव की जो डिमांड है, जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुई है, वो सेकेंड क्वार्टर नहीं बल्कि इस साल, क्योंकि त्योहारी सीजन थोड़ा लेट आ रहा है, तो क्वार्टर थ्री में शिफ्ट हो गई है। तो तिमाही दर तिमाही अगर देखें तो कंपनी की वॉल्यूम्स में मामूली से 3% की बढ़त देखने को मिली है, पर एक्सपोर्ट्स में करीब 8% का जंप दिखाया है। हालांकि डोमेस्टिक वॉल्यूम सपाट रही हैं, तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं प्ले करेंगे कंपनी के नतीजों में, जहां पे तिमाही दर तिमाही हम सिंगल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि 5-8% की रेंज में एक जंप देखने को मिल सकता है कंपनी के सभी नंबर्स में। कंपनी की आय की बात करें तो वहां पे करीब 5.5% का जंप हम उम्मीद कर रहे हैं। एबिदा करीब 2100 करोड़ से ऊपर रह सकता है। और खास तौर से मार्जिन, जहां पे रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की लागत में कमी आई है, साथ ही देखें तो प्रोडक्ट मिक्स बेहतर हुआ है, और 19.4% ये एबिटा मार्जिन फ्रंट पे हमारी उम्मीद है कि कंपनी इतने मार्जिन्स घोषित करेगी। आखिरी में प्रॉफिट के नंबर पे 1770 करोड़ हमारा आने का अनुमान है। तो ये सभी नंबर्स हैं जो कि ध्यान में रहेंगे, पर खास तौर से कमेंट्री और साथ ही डिमांड को लेकर, और साथ ही जो ट्रायम की जो बुकिंग जिस तरीके से आई है, क्योंकि दो ट्रायम की ऑफरिंग्स जो हैं कंपनी अब लेकर आई है, हाल फिलहाल उन्होंने अपनी दूसरी ट्रायम ऑफरिंग के भी प्राइजेस अनाउंस किए, किस तरीके का डिमांड देखने को मिल रहा है, उस सभी चीज़ों पे हमारा फोकस ज़रूर रहेगा। बट हाँ, बजाज ऑटो से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, और बाकी टू व्हीलर कंपनीज भी इससे क्यूज़ लेती हुई ज़रूर नज़र आएंगी। शुक्रिया सृष्टि, बढ़िया नतीजों की उम्मीद बजाज ऑटो से, और मजबूती के साथ ये शेयर टिका हुआ है 5,100 रुपये के ऊपर। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे अपग्रेड्स भी आए हैं डैम कैपिटल की ओर से। टीवीएस मोटर के लिए अपग्रेड आया, आशर के लिए अपग्रेड आया था, तो ऑटो में अपग्रेड्स भी आ रहे हैं, डिमांड का ट्रैक्शन भी है। कमोडिटीज़ वाला थोड़ा सा एक फैक्टर थोड़ा सा है कि इनपुट कॉस्ट का जो प्रेशर है थोड़ा सा वो भी कम हुआ है। नतीजों से पहले राजेश जी, कोई आप सलाह देंगे बजाज ऑटो पर? तो देखिए, ओवरऑल अगर ऑटोमोबाइल स्पेस को देखें तो एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बजाज ऑटो में भी अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में नियर टर्म सेटअप के हिसाब से ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जैसे स्टॉक में 5160-5170 के लेवल क्रॉस होंगे, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट फिर 5250-5300 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखते होंगे अब यहाँ पे करंट लेवल से, वो होंगे करीब 5095 के आसपास। 5095 के आसपास का स्टॉप लॉस बजाज ऑटो के लिए, बढ़िया है सर। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो की अगर बात हो रही है तो जरा टायर की बात निकाल ही लेते हैं। सीएट के अच्छे नंबर्स आए थे और शेयर ने शुरुआत बड़ी तूफानी की थी। सीएट नहीं, नहीं, सीएट के साथ साथ जेके टायर, अपोलो टायर, एमआरएफ, यहां तक कि हमने बालकृष्ण पर भी व्यू लिया था। हालांकि ऊपरी स्तरों से ये शेयर थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग के शिकार हुए हैं। सीएट अब 4% ऊपर रह गया है, आज का हाई है 2337 का, 2182 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 100-125 रुपए नीचे आ गया है, काफी तेजी स्लिप किया है। ध्वनि, टायर स्टॉक्स में जो ये कमजोरी नहीं ऊपर से आई है, क्या एंट्री का मौका देखना चाहिए, या किसी को प्रॉफिट हो गया हो तो जो प्रॉफिट हो रहे हैं उसको समेट के बाहर निकलने की भी सोचनी चाहिए, आपका व्यू क्या कहता है? अगर हम एंट्री के मौके ढूंढ रहे हैं तो अपोलो टायर का स्ट्रक्चर मुझे बेटर लगता है। यहाँ पे स्टॉक जो है वो एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना रहा है, जहाँ पे नीचे की तरफ का जो सपोर्ट लेवल है वो 365 का इसने पक्का करा हुआ है, वहां से स्टॉक ने एक अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। करंट लेवल से आप अपोलो टायर के अंदर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा तो 402 से 405 का एक अपमूव यहाँ पे विटनेस करने को मिलेगा। आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे है वो 385 का लेके चलना है।
जबकि सीएट का जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक बनता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बहुत ही ऑब्वियसली दिख रही है इसके डेली स्ट्रक्चर पे। तो सीएट में मेरी सलाह रहेगी कि आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाए और अपना जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे अपोलो टायर्स में ट्रेड शिफ्ट कर लीजिए। राइट, एक बार के लिए सीएट में आज की तेजी हो गई है, आप अपने मनी को शिफ्ट करें यहाँ से अपोलो टायर में, ठीक है। लेकिन आज जो दिन भर का ये जो ट्रेड बना है विनीत, क्योंकि हमने देखा जितने भी बैकवर्ड लुकिंग डेटा पर आज ट्रेड दिख रहा है क्रूड डेरिवेटिव सेगमेंट में, आज टायर स्टॉक्स में सीएट के नंबर आए, और क्योंकि ये तो पहले लास्ट क्वार्टर को फैक्टर कर रहे थे वहाँ क्रूड प्राइसेस नीचे थे, उसी तरह के ट्रिगर आप ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में देखे बीपीसीएल एचपीसीएल, हालांकि जबकि जीआरएम्स गिर रहे हैं लेकिन वो फॉरवर्ड लुकिंग डेटा होगा, वो अगले क्वार्टर में रिएक्ट होगा। तो क्या अभी इस तरह का ट्रेड और कंटिन्यूड हो सकता है? क्रूड डेरिवेटिव्स भले ही आज प्रेशर में हो, अभी की स्टेट में प्रेशर सिचुएशन दिख सकती हो, लेकिन क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं लास्ट क्वार्टर के सिचुएशन में जहाँ क्रूड नीचे था, तो थोड़ी और स्ट्रीम बाकी है कि ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स पर, उसी तरह दूसरे क्रूड डेरिवेटिव है, पेंट स्टॉक, ल्यूब्रिकेंट स्टॉक्स। विनीत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। लुब्रिकेंट स्टॉक्स में इतनी मंदी नजर नहीं आती, हमारा आउटलुक बुलिश है क्योंकि वो पास थ्रू हो जाता है, आजकल वैल्यू एडेड लूब्स का काफी जमाना है और इनकी ग्रोथ रेट वॉल्यूम ग्रोथ आप देखेंगे ना 5-7% आती है, पर इनकी प्राइस ग्रोथ एवरेज रियलाइजेशन काफी अच्छे है। तो गल्फ ऑयल आपको पिछले 3 साल से 11-12% रिटर्न दे रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ दे रहा है, तो लूप्स में हमें प्रॉब्लम नहीं लगता है। हमें लगता है कि जो पेंट्स में है ना इशू आ सकती है, एंड एज फार एज द रिफाइनिंग कंपनीज आर कंसर्न, हमें लगता है कि अभी जो प्राइसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे टू मूव अप ऑफ ऑयल गिवन द मिडल ईस्ट सिनेरियो, हमें लगता है कि इनके थोड़े मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं। और एक दूसरी चीज, अगर आप देखोगे ये बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल, दे आर ऑल्सो चेंजिंग द बिजनेस मॉडल टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, तो इधर और काफी वैल्यू अनलॉकिंग के भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, जैसे उनके लूब्स बिजनेसेस लिस्ट होने वाले अगले 1-2 साल में। तो हमें लगता है कि ये जो स्टॉक्स है आपको ग्रेजुअली अक्यूमुलेट करने चाहिए और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देंगे ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट के चलते ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स को आपको रडार पर रखना चाहिए और पोजिशनल व्यू रहेगा जिसे आपको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, एक और ऐसे एनर्जी स्पेस से जुड़ी एक खबर, और समीर हम तक ये खबर लेकर आए हैं कि दिवाली से पहले सरकार एथेनॉल की कीमतों की समीक्षा कर सकती है। एक्सक्लूसिव ये सोर्स पेस न्यूज़ है, और एथेनॉल की कीमतों को लेकर कैबिनेट जल्द हरी झंडी भी दिखा सकती है। समीर से समझते हैं पूरा मैटर पहले, तो समीर बताएं। एथेनॉल को लेकर के बड़ी खबर, सूत्रों की माने तो सरकार एथेनॉल की मौजूदा कीमतों की जल्द समीक्षा करेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एथेनॉल की कीमतों को लेकर के एक कैबिनेट नोट सरकार को भेजा जा चुका है और कैबिनेट जल्द ही इस पर विचार करके इसको पारित कर सकता है। सूत्रों की माने तो एथेनॉल की मौजूदा कीमतों को समीक्षा करके बढ़ाया जा सकता है और सभी प्रकार के एथेनॉल, चाहे वो सी या बी हैवी मोलासेस या फिर शुगर केन से जो एथेनॉल बनती है, इनकी कीमतों को बढ़ाया जा सकता है। दरअसल सरकार एथेनॉल प्रोक्योरमेंट का जो मौजूदा टारगेट लेकर के चल रही है वो 550 करोड़ लीटर से ज्यादा है, जबकि प्रोजेक्टेड अगर पेट्रोल की सेल के लिहाज से देखा जाए तो एथेनॉल का प्रोक्योरमेंट 680 करोड़ लीटर से ज्यादा का रह सकता है। ऐसे में जब सरकार का जो प्रोक्योरमेंट लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, लिहाजा जो जो भी एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो प्लेयर्स लगातार अपील कर रहे हैं कि उनको एथेनॉल की कीमत सही से मिले ताकि वो सरकार के लक्ष्य को सही तरीके से वक्त रहते हासिल करने में मदद कर पाए, और इसी को देखते हुए सरकार एथेनॉल की कीमतों में जल्द समीक्षा कर सकती है। जाहिर तौर पर इसका एक बहुत बड़ा फायदा शुगर केन मिल ओनर्स को भी होगा, क्योंकि जो अभी की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी की लगातार मांग की जाती रही है। यही नहीं, सरकार मौजूदा जो पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको 12% तक हासिल कर चुकी है, लेकिन बड़ा लक्ष्य यही है कि साल 2025-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में उसके लक्ष्य को हासिल कर पाए। और उसके लिए अगर नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो साल 2024-25 तक तकरीबन 988 करोड़ लीटर की आवश्यकता होगी एथेनॉल की, जबकि
2025-26 में ये आंकड़ा बढ़ करके 1,000 करोड़ लीटर के पार जा सकता है। ऐसे में चूंकि बड़े लक्ष्य हैं तो सरकार एथेनॉल प्रोक्योरमेंट के लिए जो जरूरी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हर साल इस तरीके की समीक्षा करती है और इस साल ये समीक्षा जल्द होगी। पारित होने के बाद में बढ़ी ही हुई कीमतें संभावित तौर पर 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। ठीक है शुक्रिया समीत ये अपडेट देने के लिए। तो एथेनॉल प्राइसेस की एक रिव्यू हो सकता है और जो टारगेट्स है गवर्नमेंट को वो मीट करने हैं, जिसके चलते आप जो ब्लेंडिंग का टारगेट है और उसमें से 10% तो उन्होंने अचीव भी कर लिया, लेकिन 20% तक की ब्लेंडिंग का जो नेक्स्ट बड़ा टारगेट है उससे अचीव करने से पहले कई सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी गवर्नमेंट ले रही है। शुक्रिया समीर यह खबर हमें बताने के लिए। क्विकली बीटीएससी ट्रेड्स कुछ ले लेते हैं। रुचित, कोई बीटीएससी ट्रेड्स जो रडार पे आ रहे हो? मैं यहाँ पे बीटीएससी के लिए खरीदारी की सलाह दूं, फ्राइडे आज इतने मोमेंटम नहीं है, बट नो टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ये स्टॉक ने 2 दिन पहले ये कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद कल पुल बैक मूव आया और जो ब्रेकआउट लेवल था उसको रीटेस्ट किया है। सो प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स हुए, इस पुल बैक मूव में कम वॉल्यूम्स है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा फेवरेबल है। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पे 1500 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे खरीदारी करके जाए और 1600 के अराउंड के पहले टारगेट स्टॉक में होंगे और वो क्रॉस होते तो 1640 के शॉर्ट टर्म टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खबर अभी आप नीचे देख पा रहे हैं जो कि डाबर के रिगार्डिंग है, जीएसटी अथॉरिटी से टैक्स डिमांड का इनको भी नोटिस मिल गया है। हालांकि ये उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन फिर भी जीएसटी अथॉरिटी की तरफ से टैक्स कलेक्शन का एक नोटिस इनके पास भी है। एक काम करें, ज़रा चेक करवा लें डाबर पर ही। राजेश सर, एक बार ज़रा डाबर का चार्ट चेक करेंगे, कोई सेल के सिग्नल दिख रहे हैं? तो डिम्पी जी देखिए, एफएमसीजी में अगर देखें तो डाबर मैरिको ये स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में थे। पिछले कुछ दिनों में हमने एक गिरावट देखी, स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी फिसलते हुए दिखा है। यहाँ पे एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है डाबर का, वो जो कि करीब 535 के आसपास, अगर वो लेवल टूटता है तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक को 515-520 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो आई थिंक अभी तो यहाँ पे साइडवेज ही मोमेंटम है ड्यूरिंग द डे। आज का अगर हम देखें तो ये न्यूज का इम्पैक्ट अभी भी प्राइस में नहीं आया है, तो 535 को देख लेना चाहिए, अगर वो टूटता है तो वहां पे शॉर्ट किया जा सकता है, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। और दूसरा जो टैक्स का नोटिस है ना, ये भी 300-325 करोड़ के आसपास का है, ये ज्यादा डैमेज करेगा भी नहीं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जीएसटी का अगर नोटिस आया है तो एक बार ही वापस से देखा जरूर जाएगा। इसमें कोई एबनॉर्मल खबर नहीं आई, ऐसे डेल्टा कॉप में आ गए थे, उनको तो 11,000 करोड़ का नोटिस थमा दिया और उसके बाद फिर से 3,000 करोड़ का उनकी एक सब्सिडरी को थमा दिया। तो डेल्टा कॉप को जब दूसरी बार नोटिस मिला ना तो उसके बाद वो टूटा नहीं, क्योंकि अब लग रहा है ऐसा कि शायद अब नोटिस का सिलसिला रुक भी जाएगा। आप देख पा रहे होंगे डेल्टा कॉप आज ठीक खड़ा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि डाबर को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, क्योंकि हमने राजेश सर से एक बार ये टेक्निकली चार्ट भी ले लिया। टीसीआई एक्सप्रेस के नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुनाफा करीब 5.5% के आसपास घटा है। हालांकि इस नंबर को आए हुए करीब करीब अभी 5-6 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद ये अपना रिएक्शन जो दिखाना था मोटा मोटी वो दिखा भी चुका है। इसको बीटीएसटी नहीं करते, एक काम करते हैं, मेरे पास ज़रा 2-4 शेयर है, मैं वो पता कर लेता हूँ। टीसीआई के नंबर जो है ना उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इरकॉन नाम की कंपनी है सरकारी, एक बार रुचित ध्वनि आप चेक कीजिए तो जरा, इरकॉन ये बीटीएसटी करें या फिर इंट्राडे का प्रॉफिट बुक करें बाहर निकले? इरकॉन आज अच्छे से चला है ये। जी बिल्कुल डिम्पी, ये ऑलरेडी मेरे बीटीएसटी रडार पे भी था, इसको आप डेफिनेटली बीटीएसटी कर सकते हैं करंट लेवल से। कल की सेशन में आपको इसके अंदर 174 से लेके 175 तक का भी अप मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसके अंदर जो रखना है, तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है और फ्रेश पोजीशन दोनों के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 155 पे ट्रेल कर लीजिए। रेलवे शेयर पूरी रफ्तार में दौड़ रहे हैं, मतलब आप कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, सबसे जो स्लो मूवर हो गया इस पैक में वो हो गया IRCTC का। बाकी शेयर 5% 8% चलेंगे तो ये शेयर चलेगा 0.5% 1%, ये चाल हम देखते हैं। जिस तरह डिमांड की बात हो रही थी अभी डाबर के केस में, डेल्टा कॉप भी उसके चलते ही फोकस में था, उसके चलते हमने शेयर टूटते हुए देखा। डेल्टा टेक जो कि इनकी सब्सिडरी है, परसों ये खबर आई थी कि उनको भी जिस तरह डिमांड का नोटिस मिला, वो भी 2017 से लेकर 2022 तक 5 साल के पीरियड के लिए। कल हमने शेयर को टूटते हुए देखा,
कुछ दिग्गज निवेशक ने अपनी हिस्सेदारी घटाई भी है कंपनी में। आज हम देख रहे हैं कि 3.5% के आसपास की तेजी है, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा प्रेशर अब इसमें आ रहा है डेल्टा कॉर्प में। डेल्टा कॉर्प राजेश जी, क्या हर उछाल वो लोग जो लंबे समय से होल्ड करके बैठे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एग्जिट रूट अब तलाशना चाहिए शेयर में? तो आई थिंक जहाँ पे मेजर इन्वेस्टर अटके हैं वो लेवल तो अभी काफी दूर हो चुका है, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक ने जो बड़ा गैप डाउन दिया था करीब 180 के वहां से जो गैप डाउन हुआ था स्टॉक का, वो लेवल तक भी आना इसके लिए अभी काफी डिफिकल्ट लग रहा है। तो बिल्कुल हर उछाल में निकलना तो मुझे नहीं लगता कि निकलने के मौके मिलेंगे, बट अभी इसको बाय तो नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी वीक है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। तो जो भी पुलबैक बनेंगे वहां पे इसका जो मेजर सप्लाई जोन है वो जो 160 है, जब तक ये 160 के लेवल को अब क्रॉस नहीं कर पाता है जो भी छोटे मोटे उछाल आते हैं वहां पे शॉर्ट ही होगा स्टॉक, और ये स्टॉक एफएनडी में भी अवेलेबल है। तो उछाल में जहां पे भी ट्रेडर होंगे वो हमें लगता है शॉर्टिंग या अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और स्टॉक में प्रेशर अभी यहाँ पे बना रहेगा डाउन साइड की तरफ। ठीक है, आज हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्लोजिंग को देखकर मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ, इस क्लोजिंग को देखकर मेरे को कई बार ऐसा लगता है जो अटल जी ने एक कविता गाई थी कि हार नहीं मानूंगा राह नहीं ठानूंगा, कुछ कुछ वैसे ही निफ्टी करने की कोशिश कर रहा है। 19,500 को ब्रेक नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा राह नहीं ठानूंगा, मतलब कि जब 850 पार करेगा तब नई राह ठानेगा ये, और अब 20,000 के आसपास आ सकता है। फिलहाल देख के ऐसा लग रहा है ये डाटा से, और मैंने कई बार कहा थोड़ा टिल्ट है बाजार और तेजी की तरफ टिल्ट है। मेरे लिए एक ही चीज़ मेरे को बार बार नोटिस हो रही है, मैं ज़रूर आपको रात शाम को चेक करके कल सुबह आपके सामने बात रखूंगा, वह इंस्टीट्यूशनल्स की यानी कि एफआईस के कामकाज की। 1381 शेयर ये बात क्लियर कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर रिदम ठीक है, एडवांस डिक्लाइन ओवरऑल भी आप एफएनडी का भी काट के चेक करेंगे ना तो वो भी ठीक दिखेगा। 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी की ऊपर की क्लोजिंग मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन बहुत दूर नहीं है। वैसे भी बैंक निफ्टी ना थोड़ा लेगार्ड रहेगा, निफ्टी की क्लोजिंग आपको ज़्यादा अच्छी दिखेगी पॉइंट्स के तौर पर, ये 19,800 है। हालांकि मैं फिर से बोलूँगा कि बड़ी पोजीशंस ऑप्शंस के ट्रेड आप 19,850 के पार ही लेना, आज का हाई भी 19,850 ही है, कल गैप के साथ मिल जाएगा, मिला तो फिर आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि फिर फियर बनेगा और सामने ऑप्शंस एक्सपायरी भी होगी तो फिर आपको स्पेस अच्छा क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। फिलहाल के लिए थोड़ा रेंज में कामकाज होगा। आज के बढ़ने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर BPCL, पावरग्रिड, SBI लाइफ और HDFC लाइफ, इन सब ने करीब 2 से 1% तक का मूव दिखाया। ये टॉप 50 काउंटर्स हैं। जो वीक काउंटर्स थे टाटा मोटर, LNT, UPL जैसे शेयर्स, सुबह में हमने आपको नोटिस कराया था कि UPL के लगता नहीं है कि आज वो अपनी तस्वीर बदलेगा। फिर हम आए मिड कैप कैटेगरी के अंदर, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आज फिर से फैक्ट, कल 20%, आज 12%, दो दिन में बैक टू बैक चला। ITI 300 के पार हो गया, 10% के सर्किट पर लॉक है। इरकॉन भी BTST ध्वनि की तरफ से हमको मिल गई है। तो ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने आज अपना काफ़ी दम दिखाया। आज एक जो नया शेयर लिस्ट में आया है वो है GPPL, जिसको हम कहते हैं गुजरात पीपावाव। इस शेयर को हम कल भी नोटिस करेंगे, आज उसकी क्लोजिंग काफ़ी शानदार रही। मेरे को, प्रियंका को और अभिषेक को तो आप इजाज़त दे सकते हैं, हमने सिर्फ आज के बाजार तक की बात करनी थी। मेहमान आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश सर आपका, ध्वनि आपका, विनीत जी आपका, रुचित आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारा काम यहाँ से ख़त्म, हम सुबह से आपके साथ बैठे थे 8 बजे से, अब हमारी हो रही है छुट्टी। लेकिन जिनकी छुट्टी नहीं हो रही है और जो आगे की पतवार संभालेंगे उनका नाम है मनीष मुर्मू, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी गुड मॉर्निंग बोलो सर, क्या बोलो, गुड मॉर्निंग बोल दो सर। डिम्पी मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मेरे शो के पहले आप ही हमेशा आए टीज करने के लिए, 12:30 से पहले आप शो से पहले टीज करते हैं। हाँ। मेरा पूरा आधा घंटे का वीडियो है ना, मेरा मूड बन जाता है, मैं शो में पूरे ध्यान से मतलब डिम्पी की बातों को याद करता हूँ और कह सकते हैं पूरे मस्ती के साथ शो करता हूँ दर्शकों के साथ ही, और अगले आधे घंटे भी फिर से जो है ना कह सकते हैं पूरे मस्ती के साथ जो है शो को करूँगा, क्योंकि इसमें दर्शकों के तमाम सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, साथ में ये भी बताने की कोशिश करते हैं कल की तैयारी में कि कल के बड़े ट्रिगर्स कौन है जिसका असर देखने को मिलेगा। कल जब प्रियंका ने टॉस किया था तो प्रियंका से जब चर्चा हुई थी तो हमने यही कहा था कि पिछले सोमवार को ऐसा था कि बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, मंगलवार को सब मंगलमय हो गया। इस बार भी यही हुआ कि पिछले सोमवार कल बाजार में गिरावट थी, आज मंगलवार को फिर से बाजार में मंगलमय हो गया, कई सारे शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो कल के लिए अब निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किन शेयरों पर आपकी नज़र बनाकर रखनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी में।